नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, तो उसी को मैंने कल के लिए मतलब 14 जनवरी 2020 के लिए मैंने स्टॉक सुना है, उसी का लेवल दिखाता हूँ। और बाइसल लेवल स्किनर और बाइसल लेवल कम स्किनर और बाइसल लेवल 3 मैंने ये दो फाइल शेयर करता हूँ, इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करता है आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए। इसमें मैंने बाइसल लेवल 1, 2, 3 रहता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स रहता है बाइसल लेवल कम स्किनर में, और बाइसल लेवल 3 में मैंने अलग से फाइल बना है उसमें। और भी मेरा EMS का मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी है, 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी है, और इनसाइड द बार Nr4 Nr7 का कैंडल दिखाऊंगा, और कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है वो दिखाऊंगा, और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, बहुत सारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, और बाइसल लेवल अभी देता हूँ उसका वो भी रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, और बहुत सारा चार्ट का सेटअप आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक आप लोग को मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोग अंत वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए इसमें जो और इसमें आप लोग पिछले वाला वीडियोस इसका परफॉर्मेंस पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए, और इसका कैसे स्क्रीनिंग किया जा सकता है वो वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा, वो भी अच्छी तरह से देख लीजिए। और ये जो फाइल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ उसका लिंक भी आप लोग को ये यूट्यूब वीडियो का पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है, इसका लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फाइल जो सैम्पल फाइल है उसका डाउनलोड करने का क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग किया जा सकता है उसको भी आप लोग समझ में आ जाएगा, उसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, और बहुत सारा वीडियोस का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। देखिए ये बाइसल लेवल 1 है, ये है बाइसल लेवल 1, ये आप लोग देख सकता है मैंने इसको घोड़ा किया हूँ। इसका बाइक का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है, और इसमें गैप अप और गैप डाउन को आप लोग को कंसीडर कर लेना है। सो इसलिए NIIT Tech 1771-1781 के बीच में ओपन हुआ है, सोच लीजिए 1775 में ओपन हुआ है, तो 1781 के लिए आप लोग देख सकता है, लेकिन 1780 का आसपास रहेगा, 81 का आसपास रहेगा, तो 81 क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए देखेंगे, ऐसे करके आप लोग को समझ लेना है। तो इधर सेल का लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है, इधर सेल का लेवल भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ, ये है बाइसल लेवल 1, बाइसल लेवल का 1 ऐसा है। उसके बाद बाइसल लेवल 2, ये है बाइसल लेवल 2, ये भी आप लोग इसमें भी ट्रेड कर सकता है, और इसके बाद आएगा बाइसल लेवल 3, ये आप लोग देख सकते हैं क्या क्या इंडिकेटर है, क्या क्या कैसे आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। ये मैं क्रॉस ओवर देखे कौन सा कौन आप या डाउन क्रॉस ओवर हुआ है वो भी दिखा गया है। यह है बाइसल लेवल 3, इसमें देखिए R1 का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, और S1 का बाई एंट्री लेवल रहेगा, और R1 का एंट्री बाई का एंट्री लेवल रहेगा। तो इसमें आप लोग नोट कर सकता है, इसमें पिवट स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी है, इसका वैल्यू भी नोट कर सकता है, इसमें भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं। बोलिंजर बैंड का मिड बैंड अपर बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू भी इधर है, आप लोग 1 डेली चार्ट में लगा के चेक कर सकता है। प्राइस चैनल का अपर बैंड लोअर बैंड और मिड बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, क्योंकि ये सब आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है, और टीरन लेवल मैंने जो दिखाऊंगा वो भी आप लोग को एंट्री पॉइंट बन सकता है। ये जो टीरन लेवल है ये भी टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है, बाय या सेल लेवल का एंट्री पॉइंट हो सकता है। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा, निफ्टी फ्यूचर्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, और बैंक निफ्टी इंडेक्स है। तो ये आप लोग देखिए बाइसल लेवल 1, बाइसल लेवल 2, सॉरी बाइसल लेवल 2 अभी तक आया नहीं है, ये बाइसल लेवल 2 और बाई लेवल और सेल लेवल, मतलब बाइसल लेवल मतलब बाई लेवल एंड सेल लेवल आप लोग समझ सकते हैं। और इधर बाई लेवल एंड सेल लेवल 3, और ये है पिवट पॉइंट, इसका वैल्यू नोट कर सकता है। बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, टीरन लेवल, ये सब का वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है। और मैंने कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ, अब मैंने जो थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज़ दिखाना क्या है, तो इसीलिए
थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, आप लोग कोई पॉज करके भी देख सकता है। और रूरल का सॉरी आर कमोडिटी का और कुछ बाकी रहेगा, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और फ्यूचर्स का कुछ फ्यूचर्स का लेवल ऐसे ही दिखा देता हूँ, तो आप लोग उसको नोट कर सकता है। ये वैसे लेवल वन ही दिखाता हूँ, वैसे लेवल दिखाता हूँ और फ्यूचर्स का दिखा दिया। उसके बाद मैंने दिखाऊंगा कौन सा स्टॉक्स में 100 डे ईएमए का स्ट्रेटजी बना है, उसका हाई लो ब्रेक करना, आज का जो हाई लो है उसको ब्रेक करने से आप लोग को प्रॉफिट जरूर आएगा। तो आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी देख सकते हैं, सोच लीजिए इधर अदानी पावर थोड़ा सा छोटा करना है, इधर अपोलो टायर देख सकता है, उधर इधर स्कॉट्स एक्साइड इंडिया, इधर एक्साइड इंडस्ट्रीज गेल ग्लेनमार्क में दिखाता है। आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो सोच लीजिए इधर ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क का जो कैंडल आज का कैंडल है, आज का जो कैंडल बना है आज का डेट में, ये कौन सा डेट है 13 तारीख, हाँ आज का डेट में इसका 100 डे मूविंग एवरेज इसको काट करना चाहिए। तो इधर तो शायद नहीं दिख पा रहा है, तो दिखाता हूँ, दिखाने का कोशिश करता हूँ कौन सा मेरा 100 डे मूविंग एवरेज लगा हुआ है। हम लोग पिछले वाला वीडियोस देखेंगे तो अच्छा रहता है। इसमें शायद 100 डेज नहीं, इसमें भी 100 डे होंगे और इस नहीं है। इसलिए किसी भी में मैंने 100 डे ईएमए इसको लगा देता हूँ, 100 डे मूविंग एवरेज को। इधर कौन सा कैंडल में फॉर्म हुआ है, ग्लेनमार्क से ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसको आप लोग ले सकता है। इधर 100 डे मूविंग एवरेज में डेली चार्ट को ये काट नहीं किया है, ये 100 मूविंग एवरेज ही लगा हुआ है। तो और भी देख लेता है एक्साइड इंडेक्स, किसको देख लेता है उसका कैंडल है क्या, हाँ 13 तारीख का कैंडल था, ठीक है। ये देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में ये इसको काट किया है, मतलब ये जो किसी भी जगह से काट करना है, मतलब किसी भी जगह से काट करना है, अपर एंड लोअर एंड मिडिल बैंड को किसी भी जगह से ये टच करना, मतलब काट करना चाहिए। तो ऐसे आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसका जो हाई लो, आज का जो हाई लो ब्रेक हो 186 और 183.75, ये जब ब्रेक होगा तो अच्छा प्रॉफिट देता है। तो इधर मैंने इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी दिखाता हूँ कौन सा, ये देखिए इनसाइड द बार, मतलब वन डे का बेसिस पे इनसाइड द बार है, टू डेज का हिसाब से इंटर है, Nr4 है और Nr7 है। वन डेज का जो है उसमें वन डे का इनसाइड द बार, मतलब अलग दिन का कैंडल इस आज का कैंडल का अंदर रह जाएगा, टू डेज का मतलब टू डेज का हिसाब से रह जाएगा, Nr4 मतलब आज का कैंडल का रेंज लास्ट 6 दिन का कैंडल का रेंज से सबसे हाई लो का रेंज, हाई लो माइनस जो डिफरेंस होता है वो सबसे कम होता है, और हाई लो Nr4 का जो है वो सबसे 4 दिन का जो आज का रेंज सबसे कम है, हाई और लो का सबसे कम है। देखिए इधर ये हमारा जो बैटरी में सभी में फॉर्म किया है, तो मैंने इधर दिखा